दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी हमने शुरू कर दी है। अब की बार 85+ बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो 85+ करना है। रीजनिंग में ऐसे ऐसे कठिन कठिन प्रश्न करने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन देने वाले, ऐसे प्रश्न ही परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों इस घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिस प्रकार से आपका ब्लू हो जाएगा, और स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पहले नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। अब की बार दोस्तों रेलवे को आर और पार करना, क्या करना, रेलवे को आर पार रेलवे को करना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से हमें दे दीजिए। देखिए लिखा है सीएटी कैट को लिख रहा है चॉइस और सेट एसएडी को लिख रहा है चॉइस, तो एस एच ई को क्या लिखें। दोस्तों बात करें सी 3 पे, ये 1 पे और 20, इन सभी को जोड़ने पर क्या आता है, 23 आता है। तो वहीं देखिए एस की संख्या 19, 1 फिर 4, इन सभी को जोड़ने पर कितना है, 24। तो दोस्तों एस एच ई क्या करेंगे, इसका कोड 19 है, इसका कोड 8 है, इसका कोड 5 है। तो देखिए जोड़ लीजिए इन सभी को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है कि क्रम से आपको चयनित करना है। दोस्तों क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए सबसे पहले जैसे आपने रेलवे की भर्ती है, दोस्तों सबसे पहले क्या आया, रेलवे की भर्ती आई, भर्ती आई तो क्या आएगा, विज्ञापन आएगा, रेलवे की भर्ती है विज्ञापन। विज्ञापन आते ही हमने क्या शुरू किया, आवेदन शुरू किया। दोस्तों पहले आपका आएगा आवेदन, आवेदन और आवेदन के बाद क्या होगी दोस्तों, परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा, चयन होगा। तो देखिए एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद और तीन, उसके बाद दो। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको करना है। चलिए एक और प्रश्न देखिए, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रेलवे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए सांकेतिक कोड दे रखा है एनईनी और टी आई एन फुल को लिख रहा है हाउ आर यू, उसके बाद देखिए। अब दोस्तों इसमें करना क्या, इसको करना क्या, इन दोनों में सेम क्या है, ये पहली शिफ्ट और ये सेकेंड शिफ्ट में दोनों में एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे टी आई एन टी आई एन, उसके बाद देखेंगे एनी नी, अब इसके अंदर देखेंगे ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब पूछा क्या गया, यस इसका कोड क्या है, सी एस ई सी, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और हाउ का इसका क्या होगा, एफ यू फ्यू। अगर आपसे पूछे आर का कोड क्या होगा, तो दोस्तों एनी नी या टिन हो सकता है, यस हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से, तो इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड नहीं, यस प्रश्न का राइट आंसर आपका समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए दोस्तों, पूरी टीम हमारा सपोर्ट करेगी आपके लिए। चलिए देखिए मैथमेटिक का क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या है, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न कह रहा है 8+, दोस्तों प्लस का मतलब है गुणा, तो यहाँ हम कर लेंगे गुणा, गुणे का मतलब है माइनस, तो यहाँ क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे, और माइनस का क्या भाग, तो यहाँ हम कर लेंगे भाग, और भाग का लेते हैं प्लस। तो देखिए 8 × 4 − 9/3 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 8 × 4 कितने हो रहे, 8 × 4 = 32 − 3 + 1, यस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों, क्या हो गया, 30। देखिए सॉरी 32 माइनस 3 कितने हो रहे, 29 + 1 कितने हो रहे, 30। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 30। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करना, समझ में आया, यस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, यानी रिश्ता। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या था? रिश्ते से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? देखिए, पूजा की ओर संकेत करते हुए, दोस्तों ध्यान में रखना है, सवाल अच्छा प्रश्न है। अब सवाल क्या कह रहा है? पूजा की ओर संकेत करते हुए, दोस्तों एक पूजा है, ये मैं लिख लेता हूँ पूजा। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम कहता है। क्या कहता है? विक्रम। पूजा एक महिला है, पी पूजा की ओर संकेत करते हुए कहता है मेरा पिता, यानी इसका पिता, विक्रम का पिता। देखिए, विक्रम ने कहा उसका पिता, देखिए सवाल जैसे प्रश्न कहे ना वैसे ही आपको करना है। उसका पिता यानी पूजा का पिता, मेरी माँ, माँ की बहन का पुत्र है। क्या पूछा? माँ की बहन का पुत्र है, नहीं यह पुत्र, ये पुत्र और पुत्र की बेटी ही है। अब पूछा पूजा और विक्रम के साथ क्या संबंध? दोस्तों ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए, और ये क्या हो गई? भतीजी हो गई। क्या हो गई? भतीजी। प्रश्न का राइट आंसर हो गया भतीजी, क्योंकि विक्रम, दोस्तों देखिए विक्रम जैसे कह रहे, विक्रम विक्रम कहता है कि मेरी माँ का भाई, यानी विक्रम विक्रम की माँ, माँ का भाई, माँ का बहन की बेटा, माँ है माँ, यानी मासी, मासी का भाई, यानी मासी का लड़का और मासी का लड़के की ये क्या लगी? पूजा। इसे क्या बोलते? पूजा। भतीजी क्या है? भतीजी आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, समझिए और इस प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा प्रश्न? नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिनना है। दोस्तों वाई को गिनना है, देखिए जिसके बाद एक्स आता हो लेकिन आई के बाद एक्स नहीं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वाई को गिनना है। दोस्तों वाई, वाई से वाई के, देखिए वाई को गिनो जिसके बाद आई आता हो, तो वाई, वाई के बाद आई, वाई के बाद, देखिए वाई, वाई के बाद आई, यस ये देखिए एक नंबर। पहले क्या बोला? ये बोला वाई, वाई के बाद आई, वाई, वाई के बाद आई, वाई के बाद आई, और वाई के बाद आई, ये हो गया। अब आगे क्या पूरा है? लेकिन आई के बाद एक्स नहीं हो, क्या है ये देखिए, आई के बाद, दोस्तों आई के बाद एक्स, तो ये तो आपका गलत हो गया। ये देखिए नहीं है, तो ये बन गया एक, आई के बाद एक्स नहीं, यहाँ पर क्या है? एफ है। क्या है? एफ है। और ये भी नहीं हो गया, और ये भी क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने वाई है, ऐसे कितने वाई। अब एक और देखिए, वाई, वाई, वाई के जस्ट बाद में आई, और यहाँ पर एक्स नहीं है, तो ये और बन गया। कितने बन गए? एक दो तीन चार, कुल कितने बन गए? फोर बने। कितने बने? फोर, यस। चलिए देखिए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसे वाक्य, दोस्तों देखिए इसका सवाल क्या करें, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही इन जोड़ों में। शब्द बनता है दोस्तों, शब्द, शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। उसी प्रकार से स्वर अक्षर किससे बनेंगे? शब्द अक्षर, अक्षर से अक्षर शब्द, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य, यस। तो अक्षर से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। तो ये आपका राइट आंसर। चलिए एक और अच्छा प्रश्न सवाल पूछा गया, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है कि सबसे पहले देखिए डॉक्टर, डॉक्टर के बाद बुखार, बुखार के बाद दवाई, दवाई के बाद स्वास्थ्य, तो इसका सही क्रम क्या आएगा? दोस्तों सबसे पहले क्या है? दोस्तों सबसे पहले बुखार आएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाइयाँ लेंगे, फिर स्वास्थ्य ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बताइए, खाली जगह दे रखी है, श्रृंखलाएं आपके सामने दे रखी है, इन खाली जगहों का आगे क्या आएगा? देखिए सी, सी के बाद, देखिए सी, सी के बाद प्लस दो ई, ई के बाद, ई के बाद भी प्लस दो, उसके बाद सात, सात के बाद में प्लस दो,
फिर प्लस दो, फिर प्लस दो, यानी इसमें क्या चल रहा है, प्लस दो दो चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, प्लस दो दो चल रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं प्लस दो दो का। ये किसके ऊपर है, 11 के ऊपर है। 11 प्लस दो कितना हो रहा है, 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम एम आएगा छोटा। उसके बाद प्लस दो 15, 15 पे क्या आएगा, ओ बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एम और ओ आपका राइट आंसर क्या है, एम और ओ आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अन्य से अलग ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से। ये तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सके। दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर है 181, क्योंकि ये 12 का स्कोर है, 14 का, 11 का, यानी सभी का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। 181 किसी का वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सवाल क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर, दोस्तों न्यूज़पेपर का मतलब होता है एडिटर। क्या होता है, न्यूज़पेपर को एडिट करने वाला एडिटर कहा जाता है। इसी प्रकार को प्ले, PLAY, प्ले का मतलब कौन होता है, डायरेक्टर। कौन होता है, डायरेक्ट। खेलने वाला खेल, क्या है, खेलने वाला खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों। क्या कह रहा है कि E5 होटल सांट, तो LAB दोस्तों, H किसके, 8 के ऊपर है, प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, इनको जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे देखिए, 20 40, 40 और 20 60 हो गए। तो देखिए L कितने, 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, जोड़ लीजिए इसे, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 28 आएगा। क्या आएगा, 28। प्रश्न का राइट आंसर क्या, 28 आपका राइट आंसर क्या है, 28। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नारंगी को कहते हैं साबुन और सॉरी नारंगी को कहते हैं मक्खन, और मक्खन को कहते हैं साबुन, साबुन को सही, और सही को शहद, शहद को नारंगी। तो वस्त्र की धुलाई, दोस्तों वस्त्र की धुलाई किससे होती है, साबुन से होती है। क्या होती है, साबुन। और साबुन को क्या कहा जाता है, शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाही। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, शाही। क्या है, शाही। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पद गलत है, क्या है, कौन सा पद गलत है। देखिए दोस्तों कौन सा पद की बात करें, कौन सा पद गलत है, नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा पद गलत है। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दो का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, छह का अंतर। इन दोनों के बीच में चार का अंतर। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, आठ का अंतर। देखिए सवाल, इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, दस का अंतर। इन दोनों के बीच में बारह का। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, 120 की जगह 118 होगा, तो इनके बीच में चार का अंतर होगा, फिर 18 प्लस 6 इसका 6 का अंतर होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 18 आएगा। क्या आएगा, 18। क्या आएगा, तो इसमें गलत पूछा गया, तो गलत आपको 120 आपका गलत है, और 120 की जगह क्या आएगा, 118 आएगा। क्या आएगा, 118 आपका आएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखिए एक और प्रश्न है, कर्मशः पूछा गया है शब्द कोश के अंदर, क्योंकि ये रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। क्या पूछा गया, सबसे पहला कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले देखिए एस और एस को आप काट लीजिए, उसके बाद ई को काट दीजिए, ई के बाद में अब आपका क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहला एल। तो ये तो आपका हो गया पांच नंबर, क्यों पर एन है तो ये तो पांच नंबर हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए एल कट गया, एल कट गया, एल कट गया, एल कट गया।
अब एल से पहले क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा, क्या आएगा, डी, डी, डी के बाद ई, यानी एक नंबर और एक नंबर के बाद दो नंबर, उसके बाद तीन नंबर, उसके बाद चार नंबर, यानी सबसे पहले आपका दो, दो के बाद एक, एक के बाद में देखेंगे दोस्तों क्या आएगा आपका चार आएगा, क्या आएगा चार, चार के बाद क्या आएगा पांच, और उसके बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट आ जाइए, रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जीके की क्लासेस शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।